यस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बुक। सभी का नॉलेज बुक्स में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 का क्विज नंबर सेकंड मैथ सेक्शन का, ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का क्विज देना है तो आप नॉलेज बुक्स के एप्लीकेशन पे जाके दे सकते हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9782309382, और टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 5% देन द इंक्रीज इन इट्स एरिया इज। तो भाई हमें पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें सर्कल का एरिया पता होना चाहिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यस या नो? पाई आर स्क्वायर होता है, यस या नो? तो चेंजेस कितने किस में हो रहा है, 5% क्या बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है। तो रेडियस 5% बढ़ रही है, तो 5% का हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो 5/100 होता है। इसको सोल्व करेंगे 120, यस या नो? तो भाई रेडियस क्या थी पहले, जो रेडियस थी स्टूडेंट्स वो पहले थी, ये होता है रियल नंबर, ध्यान रखना 100% रियल नंबर, 100% मूल संख्या। तो पहले रेडियस थी 20, और 20 का 5% कितना बढ़ गई, एक बढ़ गई। तो 20 का 5% एक कितनी हो गई, 21 हो गई। और हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट हम अगर रियल का निकालें तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा 400 पाई। तो पहले कितना था एरिया, 400 पाई था, लेकिन अब कितना हो गया, अब हो गया 21 का स्क्वायर 441 पाई। कितने पाई का चेंज हुआ यहाँ पे, 41 पाई का चेंज हुआ है, यस या नो? अब ये 41 पाई का चेंज किस पे निकालेंगे, रियल पे निकालेंगे, है ना, रियल मतलब 400। हम 400 पे निकालेंगे, 400 पाई पे निकालेंगे किसका चेंज, 41 पाई का चेंज, यस या नो? उल्टा लिख दिया मैंने, 41 पाई का चेंज हम निकालेंगे किस पे, 400 पे, इस तरीके से, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 20 से 20 कैंसिल आउट, हम 41 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.25%, 10.25% किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, रेडियस 5% थी तो 5/100 भिन्न में चेंज कर दिया, 5 × 2 = 10, 1/20, ये होता है रियल नंबर। तो रियल कितनी थी, 20 थी, 20 का एक इंक्रीज होगी कितना हो गया, 21, 20 का स्क्वायर 400 पाई, 21 का स्क्वायर 441 पाई, चेंज 41 का पाई, 41 पाई का चेंज किस पे निकालेंगे, रियल पे, रियल कितना है 400 से डिवाइड करके 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से 20 पाई से पाई गया, और 41 में हम किस का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, तो परफेक्टली क्या आएगा हमारा आंसर यहां से आ जाएगा, क्लियर है क्या। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे लग चुका है। भाई कोई मिस्टेक कर दी है, किसी संख्या को किसी से गुना करना था लेकिन आपने गलती से दूसरी संख्या से गुना कर दिया है। बोला गया है कि ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 6/7 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। एक व्यक्ति किसी संख्या को 6/7 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है। 6/7 मतलब जो करना था वो करना था 6/7 से, लेकिन कर किससे दिया, 3/5 से किसी संख्या को। अब हमें संख्या नहीं पता तो हम कोई भी संख्या मान लेंगे। एक काम करते हैं ना, ऐसी संख्या मानते हैं जो 7 और 5 दोनों से कट जाए। तो 7 और 5 से क्या कटेगा, इनका एलसीएम कटेगा। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 35। तो वो संख्या मैंने 35 मान ली, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। 7 × 5 = 35 कितना आया यहाँ से, कि भाई अगर जो रियल नंबर आना चाहिए था वो था 30, लेकिन आ क्या गया, आ गया 21। तो आना चाहिए था 30, आ गया 21। कितने नंबर का चेंज है, 9 नंबर का चेंज किस में निकालेंगे, रियल पे निकालेंगे। रियल कितना है, 30। और परसेंटेज निकालना है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 0 से 0, 3 × 3 = 9, 3 × 10 से गुणा करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 30% इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर सी, परफेक्टली राइट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरीके से कि ए भी किसी काम को 5 दिन में, बी सी 10 दिन में, सी ए 15 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में इस काम को करेगा। यस, ए भी किसी काम को 5 दिन में,
बीसी 10 दिन में और सीडी 15 दिन में, ठीक है? तो हमें भी इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क होगा। एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 30 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। तो अगर ए बी 5 दिन में 30 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन में करेंगे 6 वर्क पर डे। 10 दिन में 30 करते हैं तो कितना करेंगे बी सी? 3 वर्क पर डे। और सी ए सी डी सी ए आएगा यहाँ पे, है ना? सी ए जैसे है ना, सी ए 15 दिन में 30 काम करेंगे, तो एक दिन कितना करेंगे? 2 वर्क पर डे। तो ये इनकी क्या आ गई? इफिशियंसी 6, 3, 2 इफिशियंसी आ गई। इनको जोड़ेंगे तो 11 वर्क पर डे। कौन करेगा? ए बी बी सी सी ए। तो ऐसे लिख देंगे 2A+B+C बराबर 11 वर्क पर डे। तो अगर 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 5.5। तो A+B+C इक्वल्स टू 5.5 वर्क पर डे। तो ए बी सी एक दिन में कितना करेंगे? 5.5 काम करेंगे। हमें निकालना किसका था? हमें सिर्फ ए का निकालना था। तो ए का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से बी सी का माइनस कर देते हैं। बी सी का एक दिन का काम कितना है? 3। तो हमें अगर ए का निकालना है तो 5.5 में से हम 3 माइनस करेंगे, तो ए का एक दिन का काम आएगा 2 वर्क पर डे। जैसे है ना, ए एक दिन में 2.5 काम करता है, करना कितना है? 30। यस इट, लाइट चली गई स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हेलो, मैं टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, यस, सो फाइनली लाइट आ गई है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, कि भाई जो ए है वो एक दिन में 2.5 वर्क करेगा, ठीक है? और काम कितना खत्म करना है ए को? 30 काम खत्म करना है। तो हम ए का निकालेंगे, 30 दिन 30 काम एक दिन में 2.5 वर्क करता है। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 0, 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 से कम 25, 5 50, 25 दूनी 50। तो 12 डेज में ख़त्म करेगा ए अकेला। तो किस ऑप्शन में है? 12। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर लग गया है। 4 क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क से है भाई, ठीक है? और थोड़ा सा एक ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं एनटीपीसी के लिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में, बी उसी काम का 3/4 भाग 6 दिन में। तो बताइए ए और बी उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेंगे? तो मुझे एक बात बताइए कि अगर ए 1/4 भाग 25% बोल सकता हूँ, ए 25% काम 10 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा, सीधी सी बात है। अरे ऐसे आनो, उसी तरीके से जो बी है वो 3/4 काम 6 दिन में करता है, मतलब 3/4 क्या होता है? 75% 4 दिन में करता है, ठीक है? 4 दिन में या 6 दिन में? 6 दिन में 75% काम 6 दिन में करता है। तो 200% काम कितने दिन में करेगा? सोचो, 75% काम 6 दिन में करता है, तो 100% काम करेगा 8 दिन में। क्लियर है क्या? तो टोटल वर्क निकालेंगे यहां से, टोटल वर्क आएगा 40। ए 40 दिन में 40 काम करता है, तो एक दिन में एक करना पड़ेगा, 1 वर्क पर डे। 8 दिन में 40 करता है, तो बी को करना पड़ेगा 5 वर्क पर डे। तो ए और बी अगर मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी 1 डे वर्क 6 वर्क पर डे। काम कितना करना है? 40 करना है। तो एक दिन में 6 करते हैं, 40 काम कितने दिन करेंगे? 40/6। लेकिन हमें 100% नहीं निकालना, हमें निकालना है 3/4, मतलब 75%। तो हम इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, कैंसिल आउट। 10 टाइम 3 2 6 10, सो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 5, तो आंसर क्या आएगा? 5 डेज में। तो ए और बी 75% काम 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में एवरेज से। एवरेज का क्वेश्चन है भैया, तो ध्यान से करना है सभी स्टूडेंट्स को। इस क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे मैंने लगा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में कि 60 विद्यार्थी एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है। भाई 60 विद्यार्थियों का औसत दिया गया है 65, तो टोटल औसत कितना होगा? 60 × 65, यस या नो? ठीक है, 60 × 65 होगा। और आधे विद्यार्थियों का औसत 85 है, तो आधे मतलब 30
30 होंगे, 30 का औसत कितना है 85 है। तो आपको बताना है कि जो बच गए 30 उनका औसत कितना होगा। कैसे आनो ये निकालना है, तो कितना होगा इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल निकालते हैं, 60 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 39। और क्या बोला गया था, आधों का कितना है, आधों का है 85, तो इसको 85 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2550। ऐसे है ना, तो 3900 को 2550 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास में आएगा यहाँ से 1350 आएगा, ये है। तो 30 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1350 आ जाए, तो कैंसिल आउट कर देंगे सीधा सीधा, 0 से 0 और 3 चौक 12, 3 पंजों 15, तो 45। तो उनका जो एवरेज है आधे स्टूडेंट्स का वो कितना है, 45 है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है एलसीएम एससीएफ से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को बस देखते ही उड़ा दें। आपको दो संख्याओं का लेस है और मैसे दिया गया है, एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है 6 और 5040। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या निकालिए, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एचसीएफ गुणा एलसीएम इंटू फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। 4 यहाँ पे हमारे पास में चीज़ें हैं, 4 में से क्वेश्चन में 3 चीज़ें गिवन है, तो चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। एचसीएफ है 6, एलसीएम है कितना 5040, और दूसरी एक संख्या आपको दी गई है 210, तो दूसरी संख्या निकालनी है, ऐसा ही है ना, एक संख्या 210 है हमारी, दूसरी निकालनी है, ठीक है भाई। इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे सीधा, तो देखिए 0 से यहाँ से हमारा 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 21 से इसको काट सकते हैं हम यहाँ से, कितने टाइम कटेगा देखो, 21 दूनी 42, ठीक है, 21 दूनी 42, कितने बच गए 8 84, तो 21 चौक 84, तो 6 को हम 24 से गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 2 12 प्लस 2 14, 144। तो क्या आंसर आएगा दूसरी संख्या क्या होगी, 144, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास में गिवन है वो है आपका इंटरेस्ट से, ठीक है, इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स। ए ने 2 वर्ष के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 1,91,864 के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया, तो ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि, तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, निकालना है कि ए ने कितना ऋण लिया, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ए ने किससे ऋण लिया, ए ने लिया बी से, कितने वर्षों के लिए, 2 ईयर्स के लिए, किस इंटरेस्ट पे, 8% के इंटरेस्ट पे, तो 8% के इंटरेस्ट पे 2 ईयर के लिए लिया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा इसको, 16% देना पड़ेगा, 16% देना पड़ेगा, और इसने टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के साथ में कितना दिया है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट तो कितना है 16% और प्रिंसिपल कितना है 100%, 100% प्लस 16% मतलब कितना 116% कितना दिया इसने, 1,91,864, ऐसा ही कुछ है नंबर, 1,91,864, ठीक है, ये दिया है। और निकालना क्या है हमें, प्रिंसिपल मतलब 100% निकालना है, 100% निकालना है, 116% गिवन है और कितना दिया आपने, 191,864, ऐसा ही करेंगे। सो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, यहाँ पे परसेंट है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा, तो हमारे पास में जो रियल वैल्यू आएगी वो आएगी 1,65,400, किस ऑप्शन में है, 1,65,400, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस से, हर टॉपिक के क्वेश्चन मैं चाहूँगा यहाँ पे कवर हूँ आपके, जैसे कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लें। एक घड़ी 10% के लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 77 रुपये अधिक में बेची जाती तो 12% का लाभ होता, घड़ी का क्रय मूल्य निकालिए, हमें निकालना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी घड़ी का सेलिंग प्राइस था 100, आपने इसको सेल कर दिया 110%, मतलब 10% के ब्याज पे, तो भाई 100 का 10% कितना होगा 110 पे, लेकिन अगर आप इसको सेल करते 12% के ब्याज पे तो आपको कितना मिलता, 112 मिलता, यस या नो, ऐसा ही कुछ है सीन, यस या नो, ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ पे ये चीज़ देखें,
अगर आप इसको इस रेट पे बेचते तो आपको 77 रुपीज़ मिलते। कितने मिलते आपको? 77 रुपीज़ मिलते। और यूनिट में कितना है? 10 से 12। कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। यस या नो? 2 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है? 77 रुपीज़ गिवन है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो हम कहेंगे 77 डिवाइड बाय 2, ऐसा हम बोल सकते हैं। और हमें निकालना क्या है? क्रय मूल्य 100, सेलिंग प्राइस क्या था? 100 था। यस या नो? तो हमें 100 निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 77 डिवाइड बाय 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा हमारा? 50 आएगा। तो 77 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3850। परफेक्टली राइट आंसर इस तरीके से, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग वाला कि भाई कितना था, ये तो बाद में आपका सेलिंग बना है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है कि भाई 11,550 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस तरीके से बांटा जाता है कि एक्स को वाई का 4/5 और वाई को जेड का 2/3 भाग मिले, तो जेड को एक्स से कितना अधिक मिलेगा? आपको 11,550 रुपए को डिवाइड करना है 3 persons में। ठीक है, फर्स्ट इज एक्स, सेकंड इज वाई और थर्ड इज जेड। क्लियर है क्या? एक्स वाई जेड में डिवाइड करना है। एक्स को वाई का 4/5 मिले। 4/5 क्या होता है? 80% होता है। तो एक्स को वाई का 80% मिले, जो एक्स है उसको वाई का 80% मिले, तो मान लेते हैं वाई को मिला कितना? 100। तो 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा। क्लियर? उसी तरीके से वाई को जेड का 2/3 भाग मिले। 2/3 क्या होता है? 66%। यस या नो? ये है वाई और ये है जेड। वाई को जेड का 2/3 मिले, तो 2/3 मिले तो मतलब ये होगा 66 और ये होगा आपका 66 होगा और ये क्या होगा? 100 होगा। तो ये 66 कैसे हो सकता है ये बताइए? तो अगर हम इसको 150 मान लें, 150 मान लें, तो ये इसका 2/3 होगा। ऐसे नो कर सकते हैं, निकाल के देख लीजिए। चाहे 150 का 2/3, इसको यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा? 100। इस तरीके से तो ये रेशियो बन गया हमारे पास में, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो हमारे पास में टोटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना यूनिट आ गया? 8 प्लस 10 18 18 में 15 जोड़ेंगे तो 18 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 33 यूनिट। क्लियर? 33 यूनिट हमारे पास में आ गई है। अब उसके बाद में क्या हुआ, हमें पूछा गया है कि जेड को एक्स से कितना अधिक मिला, जो जेड है उसको एक्स से कितना अधिक मिला। तो मुझे एक बार बताइए, जेड और एक्स के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है? 15 और 8, 7 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है? 7 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल यूनिट है 33 और अमाउंट कितना है हमारे पास में? 11,550। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? 11,550 में 33 से डिवाइड कर दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 11 से कट रहा है, देखो 11 एकम 11, भाग नहीं गया तो क्या लगेगा? 0 11 5 55, 1050। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? 3। उसके बाद में 3 से कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 3 3 9 3 5 15, 350। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 350। और हमें निकालनी कितनी है? एक्स और वाई का डिफरेंस, मतलब 7 यूनिट निकालनी है। तो क्या करेंगे हम? 7 को 350 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा 0 7 5 35, 3 21 प्लस 3 24, 2450 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, परफेक्टली राइट आंसर। चलिए आज का मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और ज़बरदस्त। सॉल्यूशन है 80 लीटर का एक ड्रम में एथेनॉल है, इसमें 20 लीटर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है, पुनः फिर 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी, मतलब 20 लीटर वापस से पानी मिला दिया जाता है। तो बताइए वर्तमान में मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, वो भी लीटर में। आपको लीटर में पानी की मात्रा निकालनी है। यस, क्या बोलेंगे?
एक फॉर्मूला आपने ध्यान हो तो याद होगा, इनिशियली क्वांटिटी, याद है क्या? 1 माइनस कैपेसिटी इंटू एक्स की पावर एन, याद है क्या आपको? यस सॉरी, एक्स अपॉन सी, हाँ ठीक है। तो इनिशियली क्वांटिटी मतलब कितने लीटर का सॉल्यूशन है, उसके बाद में सी का मतलब है कि कैपेसिटी ऑफ विजुअल, मतलब कितना लीटर निकाला गया है, और उसके अपॉन में क्या है, सी मतलब कितनी कैपेसिटी है, और एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस कितनी बार की गई, एक बार, दो बार, तीन बार। तो भाई टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में, 80 लीटर, कैपेसिटी कितनी 80 लीटर, माइनस एक्स मतलब कितनी क्वांटिटी निकाली गई और कैपेसिटी कितनी है 80 की है, और ये प्रोसेस कितनी बार की है अपने, दो बार की, सिंपल 0 से 0 1/4 आ गया। तो 80 इंटू एलसीएम लेंगे 4 का, 4 ऊपर जाएगा और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 1/4 4 प्लस 1 मतलब 3/4, यस या नो? 4 माइनस 1 3/4 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इस तरीके से। तो 4 से कट रहा है बिल्कुल, 4 चौक 16, 4 दुनी 8 20, फिर 4 पंजू 20, 9 पंजू 45, तो 45 लीटर क्या आया है ये 45 लीटर भाई, ये 45 लीटर तो हमारा क्वांटिटी आ गई है, कैसे नो? अब हमें एथेनॉल आ गया, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पानी कितना है। तो टोटल कितना था, 80 था ना टोटल, तो टोटल में से 45 तो क्या है हमारा, 45 है हमारा उसका एथेनॉल। तो हम पानी ये निकाल देंगे कि भाई 80 में से 45 माइनस कर दीजिए, तो जो 35 लीटर है वो पानी है, 45 लीटर क्या है पानी है, 45 लीटर क्या है एथेनॉल है, मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी थी। तो इस तरीके से इस छोटे से फॉर्मूले के बेस से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही जगह काम आने वाला है छोटा सा फॉर्मूला। चलिए तो स्टूडेंट्स ये थे आपके रीजनिंग सॉरी मैथ्स के क्विज नंबर 2। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास में, और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों जगह से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।